चुनाव का मौसम है और ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इन 70 वर्ष में ये भ्रष्ट कांग्रेसी, ये चोर कांग्रेसी 55 साल 60 साल से देश को लूटने का काम किया, देश की जनता और सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्री के नेतृत्व में एक मौनी बाबा की सरकार 10 वर्ष चली और इस 10 वर्षों में देश की सुरक्षा के साथ किस प्रकार खिलवाड़ हुआ, देश की सेना के मनोबल को किस प्रकार तोड़ने का काम किया। और आपने देखा, पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दी सेना को, जहां कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को चिकन और बिरयानी खिलाई जाती थी, जो देश में छिपा हुआ जयचंद और मीर जाफर के औलाद है उनको 18 अप्रैल को आपको बैलेट से जवाब देना। चुनाव के समय कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और चुनाव खत्म सत्ता मिला तो कांग्रेस का हाथ अमीर के साथ और गरीब के साथ विश्वास था। यही रिकॉर्ड है 55-60 साल का कांग्रेस का सत्ता का रिकॉर्ड। पहली बार आजादी के बाद ये जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जी बेटियां हैं, शौचालय नहीं होने के कारण वो दिन भर कितनी मानसिक तनाव में रहती थी कि कब संध्या होगी, हम खेत खलियान के से सौंप जाए। उस पीड़ा को समझने का काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने समझा तो है आदरणीय मोदी। कि अब एक परिवार की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, एक तरफ लोकतंत्र दूसरा तरफ वंशवाद। ये जो कांग्रेस पार्टी ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि का सोनिया गांधी भारत को एक जागीर समझता। बिहार में आप देखिए एक और परिवार है वंशवाद, लालू परिवार, ये सब भ्रष्ट लोग, ये सब भ्रष्टाचारी, और ये यादव को ठगा हुआ है। लालू जी हटा तो फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी दी, वो हटा तो तेजस्वी यादव, फिर कौन यादव, फिर मीसा यादव, और कोई यादव का गुंजाइश हुआ नहीं। और अब देखिए भाई भाई में प्रतिस्पर्धा हो गया, पावर की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, इसलिए परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से ना राज्य का भला होगा ना देश का भला होगा।